साथ जालौन से नव निर्वाचित सांसद बात करते हैं। सांसद जी, यहाँ पहुंचे थे आप, किस तरह की मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से, जीत क्या पाए हैं, तो आगे की अब क्या कुछ रणनीति है? बहुत अच्छी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हम लोग जो है इंडिया गठबंधन में लोग हम लोग जो चुन के आए हैं, हमारा भरोसा और पूरा प्रयास होगा कि जो हमारा इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है पूरी तरह से हम उसको लागू करवाएं और लोगों को के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है तो उन्हें कम से कम उस अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलवाएं। बात की जाए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब काफी मजबूत नजर आ रही है, विपक्ष में भी ज्यादा सांसद दिखाई देंगे, तो आगे की किस तरह से लड़ाई रहेगी और इस सरकार की बात की जाए तो जो एनडीए सरकार बनाने जा रही है कब तक चल पाएगी? देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कमजोर सरकार होती है, मजबूत सरकार होती है, अगर मनसा के अनुरूप काम नहीं करेगी तो गिर ही जाएगी, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा विकास के मुद्दों पे, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में जीत के आए हैं और जिस क्षेत्र से हम चुन के आए बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका, हमारा पूरा फोकस होगा कि विकास के लिए, कि बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, इस पर हम लोग संसद में चर्चा करेंगे। अयोध्या सीट की बात की जाए, अयोध्या सीट भी हार गए, उसी के बेस पे पूरा चुनाव लड़ा गया था पर वो भी सीट हार गए। जी, तो भगवान सभी के होते हैं, कोई एक आदमी कहे कि भगवान हमारा है तो ऐसा नहीं है, भगवान सभी के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीका से भगवान को एक अपने रूप में रखा था लेकिन लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया और ये तय हो गया कि भगवान सभी के होते हैं और सबकी मदद। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है कि लोगों को, जनता को डाइवर्ट करा गया, जनता को भ्रामक बातें बताई गई और यही वजह है कि आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा हो गई समाजवादी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खुद मालूम है कि हमने खुद भ्रम फैलाया था, झूठ बोला, गुमराह किया, लोगों ने उनको 10 साल के अंतराल में देश और प्रदेश की सरकार में भी लोगों ने समझ लिया कि केवल झूठ फरेब की राजनीति। तो देखिए, ये जालौन से नव निर्वाचित सांसद थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, यहाँ पर उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। वीर जनिश नंदन के साथ मैं अबू तला, आज की खबर लखनऊ। हमारे साथ